Hey everyone, welcome to an academy and I hope you're doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए आज के रैपिड रिवीजन सेशन के साथ. आज हमारा रैपिड रिवीजन सेशन नंबर 6 है. हाँ जी तो हम लोगों ने 5 सेशन कवर अप कर लिए हैं अपने रैपिड रिवीजन के. जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए छोटा सा अपडेट गाइस, ये जो रैपिड रिवीजन होता है इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं. पहले आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर्स को जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हो न्यूज़पेपर, उस फॉर्म में हम लोग कवर अप करते हैं, मतलब जो हमारा बेसिक फॉर्म होता है उसमें हम लोग कवर अप करते हैं. और उसके एग्जैक्टली क्लास ख़त्म होने के एग्जैक्टली 10-15 मिनट्स बाद हमारी अनअकैडमी पे एक एमसीक्यू सेशन होता है, एमसीक्यू क्लास होती है. और उस एमसीक्यू वाली क्लास के अंदर उसी महीने के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग एमसीक्यू की फॉर्म्स में कवर अप करते हैं. क्या होता है, ये तो 2 घंटे होते हैं आप लोगों के लिए, एक पावर पैक्ड सेशन होता है जिसके अंदर आप लोग एक अलग तरीके का एनवायरमेंट एज वेल एज एक्सपीरियंस गेन करते हो. सो वेलकम टू दिस सेशन. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आज की क्लास में जुड़ गए हैं, डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग वो जो लाइक वाला बटन है ना उसको ज़रूर दबाएं. ठीक है, दैट लाइक वाला बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेस. ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लोग प्रेस कर दें. एंड गाइस, जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं और दे आर ड्रीमिंग टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो 18th of August मतलब आज एक एंड डेट है. आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो एक साल का तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 year plus 4 years का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, क्योंकि हम आपको अगले साल के मेज तक का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं जिसमें आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ है. एक ऑफ़र है CSE Assure, लाइक ये अपने आप में इंडस्ट्री में एक सबसे अलग काइंड ऑफ ऑफर है कि अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, वी विल गिव यू 1 year एक्स्ट्रा. एक साल का हम आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देंगे. सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जिस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना है वो इधर आ रहा होगा ना, एक बार चल रही होगी उस बार में आ रहा होगा, दैट इज़ AMS Life. तो उस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना. आपको एक्स्ट्रा बुक्स मिल रही हैं, 20 बुक्स आपको मिल रही हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड हैं. एंड अनअकैडमी कॉम्बैट इस संडे को भी होने वाला है जिसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है. सो बहुत बेहतरीन है अनअकैडमी कॉम्बैट, डू नॉट फॉरगेट दैट यू एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट. सो लेट्स क्रैक इट. सो आर यू रेडी फॉर टुडेज रैपिड रिवीजन सेशन, जल्दी से लिख दो. हाँ सर, हम तैयार हैं, बस आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, हम तो काफ़ी देर से तैयार हैं. हाँ जी, तैयार हो? हाउ मेनी क्लासेज हैव बीन डन अर्नब? 5 क्लासेज हैव बीन डन. दिस इज द सिक्स्थ क्लास. एंड डू नॉट फॉरगेट कि जो इसके बाद वाला सेशन है उसका लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में पिंड होता हुआ मिल जाएगा. तो अगर समय हो अभी विदिन 2 मिनट्स उस पिंड वाले जो कमेंट है उसको प्रेस करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे एनरोल वाला बटन दबा दो जिससे आप लोग इस क्लास के एंड होने के बाद मेरी क्लास में जुड़ सकें. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को. लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का पहला टॉपिक है हमारा लोनार लेक, बेसिकली लोनार क्रेटर. हुआ क्या था, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये लोनार लेक ना पूरी पिंक हो गई थी पिछले साल के जुलाई मंथ में. आज हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं. पिछले साल के जुलाई के मंथ में लोनार लेक पूरी तरीके से पिंक हो गई. और पिंक होने का कारण क्या रहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर परेशान रहे कि ये पिंक हुई तो हुई क्यों. जो प्रोबेबल रीजन बताया गया वो बताया गया एल्गल ब्लूम. तो जो लोनार लेक पिंक हुई थी उसका रीजन था एल्गल ब्लूम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल्गल ब्लूम, ये एल्गल ब्लूम होता क्या है. एल्गल ब्लूम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि असलियत में ये एल्गी क्या होते हैं, है ना. बहुत सारे लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. कि व्हाट आर एल्गे, क्या होते हैं,
हम लोग मानते हैं कि एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज सबसे पहले एग्जिस्ट हुई होगी तो एल्गे उनमें से एक होगा। आपको एल्गे आपके ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाते हैं। एल्गे आर अ काइंड ऑफ अ यूकैरियोटिक एनिमल्स। खास बात है कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो एल्गे आर अ काइंड ऑफ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग एल्गे, ये कॉमन एंसेस्टर्स आपस में लिंक नहीं करते, बट दे बिलोंग टू पर्टिकुलर दैट जनरेशन, जहां से हम लोग कहते हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की कुछ चीजें उत्पत्ति हुई। नाउ यहां पर व्हाट आर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक या एक से ज्यादा सेल होता है, दे हैव अ न्यूक्लियस एंड अदर वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स। जैसे आप लोग गोल्गी बॉडीज कहते हो ना, वो चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं। तो याद रखना एल्गेस फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर यूकैरियोटिक, दे समटाइम्स दे आर वेरी स्ट्रक्चरल ऑल्सो, बट दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी। इनके पास कोई एक वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि दे हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर इनका होता है डेफिनेटली। ये उस जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है। जिन जगहों पर मॉइस्चर ज्यादा होता है उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। दे आर फ्रीली लिविंग। तो आपने रेड एल्गे के बारे में सुना होगा, आपने ग्रीन के बारे में सुना होगा, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे इज वेरी फेमस। सो यहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है ना। एल्गल ब्लूम कैसे होता है, हमें एल्गी उन जगहों पर ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आते हैं जिन जगहों पर न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। जिन जगहों पर जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, वहां पर हमें एल्गेस कि जो बनने की या पैदा होने की जो क्षमता है या वहां पे इकट्ठे होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एल्गल ब्लूम या एल्गे ब्लूम होता है रैपिड इंक्रीज या एक्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्गे इन फ्रेश वाटर। और ये किस कारण से होता है, व्हाट इज दैट रीजन कॉल्ड एज, इस रीजन को ही हम लोग इस नाम से जानते हैं, वो है यूट्रोफिकेशन। दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन के अंदर होता है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लो नाइट्रेट्स या फोस्फेट्स का एडिशन हो जाना कहां पर, ओशनिक बॉडी के अंदर। और जब इस तरीके से किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में नाइट्रेट्स या फोस्फेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर उसी हिसाब से जो एल्गेज हैं उनकी मात्रा भी बढ़ने लगती है। बहुत सारे एल्गे ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स कैरी करते हैं, और यहां पर भी यही हुआ लोनार लेक के अंदर। क्या हुआ, जो पानी हो गया वो डिसकलर हो गया। देर इज जनरली अ चेंज इन कलर जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हमें देखने को मिलता है। अब ये काफी चीजों की वजह से हो सकता है, जैसे सेलिनिटी चेंज, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे तो सेलिनिटी चेंज होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण इवेपोरेशन भी होता है, कि ज्यादा अगर पानी का इवेपोरेशन होगा तो वाटर की सेलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही इवेपोरेट होगा, जो उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो नीचे ही रह जाएगा,
इसीलिए माना जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है इस चेंज इन कलर का। बायोलॉजिकल चेंज भी, कि देखो कोविड था उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ गई। लोनार लेक हमारे लिए एग्जाम रेलिवेंट है। लोनार लेक को लोनार क्रेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर, जो कि नोटिफाइड एज नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। इट इज ऑल्सो अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। नाउ गाइस, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये खुद न्यूज में थे। जियो हेरिटेज का मतलब क्या होता है, यहां से हम लोग एक और पॉइंट समझेंगे, दैट व्हाट इज जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। जियो हेरिटेज का मतलब है किसी भी चीज के जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो इनहेरेंटली या कल्चरली हमें बताते हैं अर्थ की इवोल्यूशन के बारे में। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों को अर्थ कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में बता रहा है, या अर्थ की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है ना, कि क्या हुआ होगा कभी पास्ट के अंदर, तो उनको हम लोग जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं। जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। नाउ अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये अगला टॉपिक है, इसी पर इस टॉपिक का सब टॉपिक है, बट ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। जियो, एक जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। नाउ दीज मॉन्यूमेंट्स आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हेरिटेज, इनको जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई इनके मेंटेनेंस, इनके प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी रहता है, ठीक है, इनको जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पेरेंट बॉडी है जो कि एफर्ट करती है इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको प्रोटेक्ट करने में। ओके, चलो मूविंग ऑन। ये जो लोनार लेक है इट इज अ सेलाइन सोडा लेक, जिसको लोनार लेक के नाम से जानते हैं, डेक्कन प्लेटू में ये सिचुएटेड है। ये माना जाता है कि ये जो क्रेटर है, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, इस क्रेटर को 52,000 ईयर एगो ये बना होगा, 52,000 साल पहले बना होगा, जब एक खतरनाक मिटियोराइट अर्थ के ऊपर स्ट्राइक किया होगा, 52,000 साल, 52,000 ईयर्स पहले, ठीक है। ये बसाल्टिक रॉक से बना है विद अ डायमीटर ऑफ 1.85 किलोमीटर एंड अ डेप्थ ऑफ 500 फीट। ओके, सो ये आपका आज का पहला टॉपिक था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इस टॉपिक के अंदर गाइस हम लोग जल जीवन मिशन दोनों पढ़ेंगे, जल जीवन मिशन हम लोग रूरल भी पढ़ेंगे और जल जीवन मिशन हम लोग अर्बन वाला भी पढ़ेंगे, तो एक ही टॉपिक के अंदर हम लोग दोनों चीजें कवर अप कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के जो टारगेट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसलिए दोनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले रूरल वाला पढ़ेंगे, जो कि जनरली जल जीवन मिशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली तो समझ लेना आपसे रूरल वाला पूछा जा रहा है। अगर आपसे अर्बन वाला पूछेंगे उस समय पर दे विल डायरेक्टली मेंशन दैट दे आर आस्किंग अर्बन वाला, ठीक है। तो रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज अनाउंस दैट लेबरर्स रिटर्निंग टू देयर होम स्टेट्स ड्यू टू COVID-19 विल बी डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन। ये एक और सब टॉपिक है कि क्या हुआ है, जो MG नरेगा है हमारी, आपके लिए छोटा सवाल है, MG नरेगा कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, विच मिनिस्ट्री, MG नरेगा इज अंडर विच मिनिस्ट्री, ये आपके लिए सवाल है। तो MG नरेगा के अंदर जो लोग जो वापस आ रहे हैं, जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनको जल जीवन मिशन के अंदर लगा दिया जाएगा, ये न्यूज आई थी पिछले साल जुलाई में। जल जीवन मिशन का मेन मकसद है कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना सारे रूरल हाउस होल्ड्स को बाय 2024 तक, ये ईयर याद रखना 2024 तक। जल शक्ति मिनिस्ट्री यहां पर नोडल मिनिस्ट्री है। सिग्निफिकेंस ये है कि एम्प्लॉयमेंट, जल जीवन मिशन एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको MG नरेगा के साथ लिंक कर दिया गया, डिमांड फॉर वर्क बढ़ रहा है और MG नरेगा के अंदर हम लोग उन्हें यूटिलाइज करवा सकते हैं।
ठीक है, हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, आप सब लोगों ने रूरल डेवलपमेंट आंसर किया है, मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही आंसर किया। जल जीवन मिशन का मेन मकसद है 55 लीटर्स। नाउ ये वर्ड याद रखना है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में ये वाला वर्ड 55 लीटर्स को कहीं 45 कर दिया, कहीं 65 कर दिया, तो इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउसहोल्ड को देना है थ्रू फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन हर एक रूरल हाउसहोल्ड को 2024 तक देना है, जिससे हर एक व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी मिल सके, 55 लीटर्स वाटर मिल सके। मेन मकसद है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट करना। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट। तो यहाँ पर इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज, इन सारी की सारी चीज़ों को, मतलब वाटर रिहैबिलिटेशन को, वाटर रिचार्ज को, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना है उसको रीडेवलपमेंट के लिए भी फोकस किया गया है। एंड वी आर वर्किंग ऑन कम्युनिटी अप्रोच। जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर। फंडिंग पैटर्न, जो फंड शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो इसमें 90:10 का रहेगा। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर 50-50 का रहेगा, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% का रहने वाला है। यहीं पे हम लोग कवर अप कर लेते हैं अपना जल जीवन मिशन अर्बन। नो, जल जीवन मिशन जो अर्बन वाला है, क्योंकि वो एक साल बाद लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए इसको क्या प्रोवाइड करना है, अर्बन हाउसहोल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और यहां पर जो फंक्शनल टैप वाटर है वो कब तक प्रोवाइड करना है, हाँ जी, व्हाट इज द एंड ईयर, कौन बताएगा, कोई बताएगा व्हाट इज द एंड ईयर? वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क कर रहा है, बट आप पहले मुझे बताइए यहां पे कौन मुझे बताएगा कि इसका एंड ईयर क्या है। जल जीवन मिशन जो है हमारा अर्बन वाला, उसका एंड ईयर क्या है? हाँ जी, ये है तो जल जीवन मिशन के अंदर, बट ये उसका अर्बन कंपोनेंट है। इसके अंदर हम लोग अमृत जैसी योजनाओं को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार इस मिशन के बारे में भी बताया है, अगले 5 साल तक ये कवर करेगा। यस, वेरी गुड, इट विल कवर टिल 2026, 2026 तक ये कवर करेगा। इट विल कवर टिल 2026, जल जीवन मिशन अर्बन। इसके अंदर सस्टेनेबल फ्रेश वाटर हम लोगों को प्रोवाइड करना है। एक और चीज़ इसके अंदर फोकस की गई है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जो पानी है, अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद जब वो सीवेज में चला जाता है, उसको वापस से इस्तेमाल करना, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग PPP मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले मॉडल का इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री अभी रिसेंटली बनाई गई, नया मंत्रालय है, नई मिनिस्ट्री है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुविनेशन को मिलाकर यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री को बनाया गया है, ठीक है। सारे इश्यूज़ ये कवर कर रही है, और जैसे जल जीवन मिशन है, ये नल से जल स्कीम के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है, नल से जल के अंदर ये कवर अप किया जा रहा है, ओके। एंड ये वाली जो अपना जल जीवन मिशन अर्बन है, इट कम्स अंडर द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है, याद रखना। जो अभी मैंने आपको अर्बन वाला बताया था, जल जीवन मिशन अर्बन वाला, JJM अर्बन, ये कवर अप हो रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट
किसने निकाली? UNCTAD ने निकाली. नाउ व्हाई दिस वाज इन न्यूज, इन न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2020 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी. निकालता कौन है? UNCTAD. नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD निकालता है, जिसमें बताया जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड पूरी दुनिया में कैसे चल रहा है. तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ग्लोबली FDI का इनफ्लो घट गया अराउंड 40% से इन 2020 बिकॉज ऑफ कोविड. इससे FDI का जो ग्लोबल FDI है वो $1 trillion से भी नीचे आ गया है पहली बार 2005 के बाद. डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. दे हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू पुट इन प्लेस द सेम इकोनॉमिक सपोर्ट मेजर्स एज डेवलप्ड इकोनॉमीज. हाउएवर जो इन्वेस्टमेंट है वो ये माना जा रहा है कि 2022 के अंदर रिवाइव हो जाएगा, जो कि रिवाइव हो भी गया था. इंडिया के परस्पेक्टिव में बात करें तो इंडिया FDI के रेसिपिएंट के रूप में 9th पोजीशन में आ गया था 2019 में. हम लोग टॉप 10 के अंदर आ गए थे. ये आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है. इसके साथ साथ आपको पढ़ना है UNCTAD के बारे में. UNCTAD एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्लियर? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD 1984 में स्टैब्लिश की गई थी. मेन मकसद था जिससे फ्रेंडली इंटीग्रेशन हो सके डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बेटर रिलेशन बना सके. एंड इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में. ये कुछ रिपोर्ट्स निकालता है जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट एंड कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. नाउ प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक इज ए स्टार्स प्रोग्राम. अगर मैं सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक में अगर कोई एक टॉपिक जरूर डालूंगा वो है स्टार्स प्रोग्राम. और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ल्ड बैंक से लिंक करता है. तो स्टार्स प्रोग्राम में आप लोगों को यह चीज़ याद होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये वाला प्रोग्राम लिंक करता है. एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी ये है इस प्रोग्राम के कि ये 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाएगा जो कि 1.5 मिलियन स्कूल से बिलोंग करते हैं एंड 10 मिलियन टीचर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, ठीक है. स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम. मेन मकसद है क्वालिटी और गवर्नेंस हमारे देश में स्कूल एजुकेशन के अंदर बढ़ाना. और एंड दिस इज फोकसिंग ऑन 6 स्टेट्स. कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान. और जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कुल 3 प्रोग्राम है. जो समग्र शिक्षा है उसके अंदर खुद 3 प्रोग्राम आते हैं. पहले सर्व शिक्षा अभियान आता है, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन वाली स्कीम आती है और फिर टीचर एजुकेशन आता है. समग्र शिक्षा खुद में एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और समग्र शिक्षा की मदद से स्टार्स प्रोग्राम को अचीव करने की कोशिश की जाएगी. जो भी पुराने एजुकेशन फॉर ऑल हमारा जो इनिशिएटिव है उसी के साथ इसको इंटरलिंक किया जाएगा. बट स्टार्स प्रोग्राम का मेन मकसद होगा लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को बेटर बनाना, टू स्ट्रेंथन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड रेमिडिएशन, टू फैसिलिटेट स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. जो स्टार्स प्रोग्राम है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के रिन्यूड फोकस ऑन एड्रेसिंग द लर्निंग आउटकम चैलेंजेस एंड हेल्प स्टूडेंट बेटर प्रिपेयर फॉर देयर जॉब्स फॉर फ्यूचर. जिससे बच्चे अपनी आगे आने वाली जो जॉब्स हैं उनके ऊपर फोकस कर सके. यहाँ पर एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम के अंदर. जो डिमांड है, चाहे वो किसी भी स्टेक होल्डर की डिमांड हो, चाहे वो पेरेंट्स की डिमांड हो, पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, उसके ऊपर ये स्टार्स प्रोग्राम फोकस कर रहा है. जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो और बेहतर परफॉर्म कर सकें, अपनी कम्युनिटी को और आगे बढ़ा सकें. और एक बेटर करिकुलम क्रिएट किया जाएगा जो कि आज की डेट में जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब है कि जो करंट सिनेरियो है
उसके साथ लिंक किया जा रहा है, जो करंट चीजें हैं उनके साथ लिंक किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें कि आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना। यही सेम चीज आपको नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे इसके अंदर टीचर्स को इक्विप किया जा रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बच्चों की जो फाउंडेशनल लर्निंग है, फाउंडेशनल लर्निंग होती है बच्चों की क्लास फर्स्ट से क्लास थ्री के बीच में, उसको टारगेट किया जाएगा जिससे बच्चों के कॉग्निटिव सोशल बिहेवियर और लैंग्वेज स्किल्स बेहतर हो सके। यहाँ पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को टारगेट कर रहे हैं, और जो पीसा प्रोग्राम है स्टार्स इंडिया की मदद करेगा कि हम लोग पीसा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। गाइस, पीसा प्रोग्राम में हम लोगों ने यूपीए सरकार के बाद इसके अंदर पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग ये कहते थे कि यहाँ पर पीसा प्रोग्राम में जिन आधार पर इवेल्युएट किया जाता है हमारे देश के बच्चों को वो गलत है, क्योंकि इसमें हमारी जो रैंक आई थी वो सबसे आखिर आई थी बाकी सारे देशों के मुकाबले। फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बोला कि हम लोग इसके अंदर फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, बट 2018 में वी फेल्ड टू पार्टिसिपेट, नाउ वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 2021 बिकॉज इट्स अ प्रोग्राम जो कि यार 3 साल में होता है, एंड इट इज अ वर्ल्ड वाइड स्टडी बाय द OECD नेशंस, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे हम लोग फोकस करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक चले, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके गाइस, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं दे फोकस ऑन लाइक होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि देर आर 8 कोर सेक्टर्स। कितने कोर सेक्टर्स हैं? बोलते हैं भाई 8 कोर सेक्टर्स। और ये कोर सेक्टर कहाँ से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू IIP, दे बिलोंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP कौन निकालता है? करेंटली NSO, करेंटली NSO IIP निकालती। ठीक है, नाउ 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन है वो हम लोग अभी देखेंगे, पर पहले हम लोग IIP के बारे में समझ लेते हैं। IIP हमें असलियत में बताता क्या है? IIP इज एन इंडिकेटर, हमें इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसी हो रही है। पॉइंट टू रिमेंबर दैट दिस फोकस इज ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना वॉल्यूम आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना माल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये उसके ऊपर फोकस करता है। इसको कंपाइल करने की जिम्मेदारी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, NSO की। दोस्तों, जो हमारा NSO है वो रिसेंटली बनाया गया है, पहले NSSO और CSO हुआ करते थे, NSSO और CSO को आपस में मर्ज करके हम लोगों ने NSO बनाया। तो NSO इसको मंथली कंपाइल करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, जो कि बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। IIP कंपोजिट इंडिकेटर है बेसिकली हमारी ग्रोथ का, और ये 2 सेक्टर में फोकस करता है, ब्रॉड बेस्ड सेक्टर और यूज्ड बेस्ड सेक्टर। ब्रॉड बेस सेक्टर मतलब जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, हमारे रिफाइनरी वाली चीज़ें भी ब्रॉड बेस सेक्टर के अंदर आती हैं। यूज बेस सेक्टर जिनको हम लोग डेली यूज में, हमारे बेसिक गुड्स हो गए ना, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, फाइनल गुड्स हो गए, वो इसके अंदर आएंगे। बेस ईयर इसका है 2011-2012। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, IIP के अंदर आते हैं 8 कोर सेक्टर। ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये 40.27 की वेटेज रखते हैं टोटल IIP की। टोटल IIP की 40.27% की जो वेटेज है ये 8 कोर सेक्टर्स रखते हैं। और इन 8 कोर सेक्टर्स में सेक्टर्स आते हैं, इनको याद करने का तरीका होता है फोन्स CCC, मतलब फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट।
ठीक है, ये तरीका है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इन फोन ट्रिपल सी में से, इन फोन ट्रिपल सी में से भी सबसे ज़्यादा वेटेज में अरेंज करो, तो आप याद रखोगे रेस्को, ये टॉप फोर है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, इसलिए रखा है जिससे आपको कोल याद रहे, जिससे आप लोगों को कोल याद रहे, इसलिए रेस्को लिखा है। क्लियर? सो दीज आर दी वेटेज अकॉर्डिंग टू दी एट कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल। ठीक है, और एंड वाला जो ओ है उसको ऑयल भी ले सकते हो, मतलब क्रूड ऑयल। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। मूविंग ऑन, हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स से वाला टॉपिक आप कवर अप करेंगे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल हमारे अटॉर्नी जनरल का एक साल का एक्सटेंशन दे दिया था। ठीक है, तो वेणुगोपाल जी वॉज अपॉइंटेड एज दी 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुकुल रोहतगी जी को यहाँ पर सक्सीड किया था। हम लोगों को बेसिक में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट अटॉर्नी जनरल। सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक मैराथन। रियाज, मेरा साइंस एंड टेक का मैराथन आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा। आई थिंक विद इन 14 क्लास मैं कवर कर देता हूँ पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी 25th से स्टार्ट है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना आप लोग। आपके एम लक्ष्मीकांत के जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहली लाइन में एग्जीक्यूटिव्स का जिक्र है, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल का नाम मेंशन है। सो अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन आर नेशन। हमारे देश में सबसे उच्च पद पे बैठे हुए लॉ ऑफिसर है। आर्टिकल नंबर 76 बात करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में। सो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन जज इन सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एडवोकेट इन सम हाई कोर्ट फॉर लास्ट 10 years, या वो कोई एमिनेंट जूरिस्ट भी हो सकते हैं। जो नहीं है कि एडवोकेट या जज कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो तो भी उन्हें चुना जा सकता है। ही डोंट हैव एनी फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, याद रखना उनका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है। ही डोंट हैव एनी फिक्स्ड टर्म। रिमूवल प्रोसेस, तो प्रोसीजर या ग्राउंड जो कि अटॉर्नी जनरल के रिमूवल के हैं वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखे हुए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। क्लियर? नाउ ड्यूटीज, मेन ड्यूटी क्या होती है? मेन ड्यूटी होती है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर लॉ रिलेटेड मैटर्स में, लीगल मैटर्स में, या जो भी मैटर्स प्रेसिडेंट उनको रेफर करेंगे उन सारे मैटर्स में अपनी एडवाइस देना। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट डिफाइन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी मैटर होंगे उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल की होंगे। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो प्रिलिम्स के अंदर आपके सामने आ सकता है। बताइए, इज अटॉर्नी जनरल अ पब्लिक सर्वेंट? इज ही अ पब्लिक सर्वेंट?
सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सर नो अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट यस ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट इसीलिए ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बट वो प्राइवेट प्रैक्टिस गलती से भी भारत सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ठीक है उनके पास एक और राइट होता है अटॉर्नी जनरल के पास दैट ही कैन टेक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या उनकी जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ही मे बी नेम्ड अ मेंबर विदाउट राइट टू वोट किसी भी कमेटी के अंदर एज अ मेंबर भी रह सकते हैं बट उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज होती हैं वो सारी के सारी अटॉर्नी जनरल को भी मिलती हैं ठीक है ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकें और एडवोकेट जनरल एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस होता है मतलब जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं ना यूनियन में तो उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के अंदर ठीक है चलिए वेल एंड गुड रिसेंटली लेपिडोप्टेरिस्ट्स ने डिस्कवर की दो नई स्पीसीज बटरफ्लाई की नाम है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड एल्यूसिव प्रिंस चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेपिडोप्टेरिस्ट वो लोग होते हैं जो कि बटरफ्लाई या मॉथ्स के अंदर स्पेशलिटी रखते हैं मेरे पीछे आप बटरफ्लाई देख पा रहे हो इस बटरफ्लाई का नाम है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक दिख रहा है आपको बटरफ्लाई का नाम है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक ये बटरफ्लाई ये नई देखने को मिली है इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है नेक्स्ट हैबिटेट रिकॉर्ड किया गया था लास्ट टाइम हेनान प्रोविंस चाइना के अंदर दूसरी है एल्यूसिव प्रिंस ये मेरे पीछे आप ब्लैक कलर की देख पा रहे हो इसका साइंटिफिक नेम है रोहाना टोमकिनियाना ये काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में भी आपसे पूछा गया ठीक है और ये नामदफा नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिली इट इज़ डिफरेंट अभी तक ये इंडिया में रिकॉर्ड की ही नहीं गई थी इसको ब्लैक प्रिंस का वेरिएंट कहा जाता है इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ ब्लैक प्रिंस तो दो तरीके के प्रिंस होते हैं ब्लैक प्रिंस ब्राउन प्रिंस तो ये ब्लैक प्रिंस का ही एक वेरिएंट है ठीक है तो इनकी जो डिस्कवरी हुई है अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी भी बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंस है और गवर्नमेंट को वॉलंटियर और सिटीजन साइंटिस्ट के साथ मिलकर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए ना नामदफा नेशनल पार्क चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है खास बात यह है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया और म्यांमार का वहाँ पे लाए करता है याद रखना छोटा सा सवाल है कहीं भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और म्यांमार के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क लाए करता है तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ नामदफा नेशनल पार्क इकलौता पार्क है पूरी दुनिया में जहाँ पर चार फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स देखने को मिलती हैं कौन कौन से यहाँ पर आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे और आपको क्लाउडेड लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे हॉलॉक गेबॉन ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इकलौती एप स्पीसीज जो कि इंडिया में देखने को मिलती है हॉलॉक गेबॉन वो इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है नाम है नामदफा नेशनल पार्क याद कर लो इस नेशनल पार्क को बहुत काम आएगा गाइस अगर आपने अभी तक वो लाइक वाला बटन आपके स्क्रीन पर ब्लू नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कर लीजिए बहुत काम आएगा आपके चलिए असी असम के अंदर कीलबैक को रीडिस्कवर किया गया एक स्नेक जो कि एंडेमिक था असम के अंदर 129 इयर्स पहले कभी स्पॉट किया गया था उस समय ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने इसको स्पॉट किया था पीडीएफ कब दूंगा इस सेशन का आज के सेशन के प्रीवियस सेशंस के सबके पीडीएफ
इस क्लास के बाद जो आपकी दूसरी क्लास है उस वाले के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक देता हूँ उस ग्रुप के अंदर एड ऑन हो जाना, मिल जाएगा। ठीक है, तो असम कील बैक 129 ईयर्स बाद देखने को मिला, इट इज़ एंडेमिक टू असम, और इस तरीके का ये स्नेक नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, इस तरीके का ये कील बैक स्नेक है, ये एक नॉन वेनमनस स्नेक होता है, जहरीला नहीं होता है, इट इज नॉन वेनमनस स्नेक। दिस स्नेक इज नेम्ड आफ्टर सैमुअल पील, जिन्होंने इसको पहली बार फाइंड आउट किया था, यूनिक जीनस से बिलोंग करता है ये, और IUCN की कैटेगरी में ये डेटा डेफिशिएंट में आता है, दिस इज द वर्स्ट कैटेगरी, इसीलिए प्रैक्टिकली ये वो स्पीसीज है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, जिनमें से सबसे पहले करेंगे पिनाका, पिनाका के बारे में। पिनाका क्या है? इट इज़ ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसको DRDO ने डेवलप किया। पिनाका, पिनाका क्या है? पिनाका है वेपन सिस्टम, इसके अंदर रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, बैटरी कमांड पोस्ट है, लोडर कम रिप्लेनिशमेंट व्हीकल है, रिप्लेनिशमेंट व्हीकल है, और डिजिकोरा मेट रडार भी है। याद रहेगा पिनाका एक है वेपन सिस्टम, पिनाका इज अ टाइप ऑफ अ वेपन सिस्टम जो कि ऑल वेदर है और इनडायरेक्टली फायर करता है। चलिए दूसरा है अस्त्र मिसाइल, अस्त्र मिसाइल भी DRDO ने डेवलप करी है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। मिसाइल भी ये भी वाली भी ऑल वेदर है, इवन इसके अंदर नाइट कैपेबिलिटी भी है। मूविंग ऑन, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जो फायरिंग रेंज है ब्रह्मोस की उसको बढ़ाने के लिए DRDO ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। अब हम लोग एक और बॉडी के बारे में करने वाले हैं बात, जिसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC। तो पूछे भाई DAC क्या है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, DAC इज अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, वर्क्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। DAC is the highest decision-making body that works under Defence Ministry. Decide करती है on the new policies and capital acquisition, किसी भी तरीके के acquisition, अगर Army, Navy, Air Force, even Indian Coast Guard, ये याद रखना, काफ़ी सारी जगहों पर even Unacademy के combat में भी हमने ये वाला सवाल रखा था कि Defence Acquisition Council क्या Indian Coast Guard की भी acquisition के ऊपर monitoring रखती है, ये एक सवाल था, and ये बहुत बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी। हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी डिफेंस मिनिस्ट्री नई पॉलिसीज बनाती है, कैपिटल एक्विजिशन को लेकर बात करती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कारगिल के समय पर कि नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए उन चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट विंटर डीजल, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विंटर डीजल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अप्रूव, यहाँ पर उसको अप्रूवल मिल गया था विंटर डीजल का इस्तेमाल करने के लिए। विंटर डीजल को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन 2019, क्योंकि जो नॉर्मल ऑयल है जब हाई टेरेन्स के अंदर हम लोग जाते हैं, जैसे मान लो लद्दाख है, कारगिल है, हिमालयास है, मतलब सर्दी वाले इलाके हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, वहाँ पर जो ऑयल होता है वो फ्रीज कर जाता है, और ऑयल फ्रीज कर जाता है तो व्हीकल वहीं स्टक हो जाता है। तो विंटर डीजल क्या है? विंटर डीजल इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए बनाया गया है, लो टेम्परेचर रीजन के लिए बनाया गया है, जैसे कि लद्दाख, जहां पर ऑर्डिनरी डीजल बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू यूज। इट ऑल्सो मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो कि बेस की 6 ग्रेड वाली कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो विंटर डीजल है वो BS 6 के जो नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रख के यहाँ पर
बनाया गया है। खास बातें, यही खास बातें आपके प्रीलिम्स में आती हैं। विंटर डीजल के बारे में खास बात है, इट इज हैविंग लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी के मतलब यह है कि वो फ्लूड रह पाता है, तरल कंडीशन में रह पाता है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे आप कंपेयर करो राइट हैंड साइड पे, ठीक है, वो जम गया, नॉर्मल फ्यूल जम गया है। देखो ये वाइट वाला पूरा फ्रीज हो गया, ये वाला अभी भी लिक्विड है। ओके, रेगुलर ड्यूजल के अंदर होता है पैराफिन वैक्स, जिससे विस्कोसिटी और ल्यूब्रिकेशन बेहतर हो सके। बट लो टेम्परेचर के अंदर ये जो पैराफिन वैक्स है ये जेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ले लेता है। विस्कोसिटी जो होती है किसी भी फ्लूइड की, वो उसके रेजिस्टेंस से मेजर की जाती है, इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो कि बैकवर्ड पुलिंग फोर्स होता है। तो पैराफिन वैक्स जो होता है कलरलेस सॉलिड होता है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम, कोल, शेल ऑयल से ड्राइव करते हैं। पैराफिन वैक्स को पेट्रोलियम, कोल और शेल ऑयल से ड्राइव करते हैं, और ये जो पैराफिन वैक्स है इसका इस्तेमाल फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। रेगुलर डीजल जो होता है वो नॉर्मल, जो थोड़ा सा लो टेम्परेचर जाते ही फ्रीज हो जाता है, बट ये विंटर डीजल फ्रीज नहीं होता, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सिटेन रेटिंग ज़्यादा होती है। सिटेन रेटिंग क्या होती है, कंबशन स्पीड ऑफ डीजल। आपको याद होगा हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में ऑक्टेन रेटिंग के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। जब हमारी ये सबसे पहली क्लास थी रैपिड रिवीजन की, उसके अंदर हम लोगों ने ऑक्टेन रेटिंग के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर एक और टॉपिक आया है सिटेन रेटिंग। तो व्हाट इज सिटेन रेटिंग, इट हैज़ अ हायर सिटेन रेटिंग, का मतलब ये है कि कंबशन ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, ज़्यादा स्पीडली मैनर में होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू लाइसेंस थर्ड पार्टी, मतलब वो पार्टी जिसके पास पेटेंट है, उसके अलावा किसी और को पेटेंट वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की अनुमति देना, उनको मार्केट करने की अनुमति देना विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर्स। उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। क्या करता है, जैसे मान लो किसी ने पेटेंट ले लिया, तो उस पेटेंट का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, बट कोई रीजनेबल कंडीशंस के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट कंडीशंस के अंदर, अगर सरकार चाहे तो कुछ कंपनियों को, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को ये राइट दे सकते हैं कि वो पेटेंट वाले प्रोडक्ट को बना सकते हैं और उसको मार्केट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोविड की वैक्सीन है, इट्स अ पब्लिक नेसेसिटी, तो इसके लिए चाहे पेटेंट ही क्यों ना करा रखा हो, अगर सरकार चाहे तो उस पेटेंट को किसी और मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस करा सकते। बट ये कब होता है, एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेलिंग ऑफ पेटेंट। कंपल्सरी लाइसेंसिंग की एप्लीकेशन डाली जा सकती है रीजनेबल रिक्वायरमेंट के लिए, पेटेंट इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस, या पेटेंट इन्वेंशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हम लोग हमारे देश में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर ऑपरेट करते हैं। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के अंदर, डज नॉट स्पेसिफिकली लिस्ट द रीजन दैट माइट बी जस्टिफाई फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। हाउएवर एक दोहा डिक्लेरेशन हुआ था ट्रिप्स के अंदर, जो बात करता है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जा सकती है अगर कोई सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी की आ गई है। तो अगर मान लो कोई सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी की आ गई, तो उस समय पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग को प्रोवाइड किया जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल नंबर 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ब्रीफ किया प्रेसिडेंट को कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्या क्या इश्यूज हैं, तो वहां पर हम लोगों को याद आया आर्टिकल नंबर 78। नाउ आर्टिकल नंबर 78
of the constitution deals with the duties of prime minister with respect to the furnishing of information to the president. Article 78 of the constitution deal करता है प्रधानमंत्री की duties से, प्रधानमंत्री की responsibilities से. ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे. जितने भी डिसीजंस होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो सारे डिसीजंस भी, सारे लेजिस्लेशन, सारे प्रपोजल प्रेसिडेंट को बताए जाएंगे. और वो अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके पास हो, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे. अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देना होगा. आर्टिकल नंबर 167 पैरेलली स्टेट में गवर्नर को भी सिमिलर काइंड ऑफ पावर प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? अरे सुन भी रहे हो या नहीं, जल्दी से बताओ यार मैसेज करके, जल्दी से. बिना मैसेज किए थोड़ी मजा आएगा. जब तक मुझे आपके मैसेज नहीं दिखाई देंगे जब तक कैसे मजा आएगा. चलिए काटसा. व्हाट इज काटसा? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इज काटसा. यूनाइटेड स्टेट्स ने 2017 के अंदर एक लॉ पास किया, यूएस पास्ड अ लॉ इन 2017 जिसने सैंक्शन लगाए ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर. ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए. It includes sanction against countries that engage in significant transaction with Russia's defense and intelligence sectors. Sanction लगाए गए कि कोई भी अन्य देश इन देशों के साथ, मतलब ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ एंगेज नहीं करेगा कोई भी चीज़ अगर डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो. ये जो टॉपिक अभी मैं कराने वाला हूँ इसके ऊपर आज भी खबर आई है, नेशनल जीन बैंक के ऊपर आज भी खबर आई है और पिछले साल इसका प्रपोजल आया था, तो आज के आज ही इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो ये जो नेशनल जीन बैंक है, इट वाज नोटिफाइड इन 1996 एंड 1997. द नेशनल जीन बैंक, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली के अंदर वो इसको एस्टैब्लिश कर रहे थे. मेन मकसद है प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेस को कंजर्व करना, टू कंजर्व प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस. और इनकी चार तरीके की फैसिलिटी ये क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे. एक है सीड जीन बैंक जहाँ पर -18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा. एक है क्रायो जीन बैंक, यहाँ पर -170 से -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा. एक है इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस. और एक है फील्ड जीन बैंक अलग अलग क्रॉप्स के लिए. यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जैसे सीरियल्स, मिलेट्स, मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट्स, नार्कोटिक्स, सब के लिए. नाउ यहाँ पर हमें जिस चीज़ के बारे में फिर से रिवाइज करना है वो है सवाल वर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट. कहाँ है ये? नई है नॉर्वे में. इंडिया का सीड वॉल्ट भी है चांगला लद्दाख के अंदर. नेशनल एनिमल जीन बैंक भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो कि ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर वर्क कर रहा है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऑन योर स्क्रीन और मेरे पीछे आपको नजर आ रही है गोल्डन बर्ड विंग. इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई, नाम है गोल्डन बर्ड विंग. इंडिया के अंदर डिस्कवर की गई है 88 ईयर्स बाद. कहाँ पे? उत्तराखंड में. उत्तराखंड में फीमेल को देखा गया और मेल को देखा गया शिलोंग के अंदर. इसका विंग स्पैन 199 mm का है. इट इज लार्जर देन सदर्न बर्ड विंग. ठीक है, सदर्न बर्ड विंग से बड़ा है गोल्डन बर्ड विंग, याद रखना. मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम इसको रिवाइज करेंगे और आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला. This will be the last topic and one of the most important and expected topic in Indian economy.
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो व्हाट इज दिस एक्ट, पहले इसे देख लेते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित हो गया। अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कौन व्यक्ति? ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट हैज बीन इश्यूज। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया है जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपए का क्राइम किया है, मिनिमम 100 करोड़ रुपीस का क्राइम किया है, ठीक है, कम से कम 100 करोड़ रुपए का क्राइम किया। मोहम्मद रिजवान, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ठीक है, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो बाकी सारी चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो कम से कम 100 करोड़ रुपए का उन्होंने यहां पर ऑफेंस किया है किसी व्यक्ति ने, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है और वो व्यक्ति भाग गया है देश। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब ये ऑफेंस कैसे हो सकते हैं? ऑफेंस हो सकता है काउंटरफीटिंग करेंसी, ठीक है, चेक डिसऑनरिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, या किसी ने फ्रॉड कर दिया क्रेडिटर्स के साथ, या किसी ने फ्रॉड कर दिया क्रेडिटर के साथ, तो उस व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। तो क्या है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिंक कर दी जाएंगी उसके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के साथ। तो क्या है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर फिर उससे हम लोग पैसे वापस से ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कोई डिक्लेयर कैसे करता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग? तो यहां पर मेन चीज यह है कि एक स्पेशल कोर्ट जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बनाई जाती है, वो स्पेशल कोर्ट एलिजिबल है, वो स्पेशल कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में डिक्लेयर कर सकती है। इट मे ऑल्सो कन्फिस्केट प्रॉपर्टीज विच आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या मतलब जिन्हें बेनामी संपत्ति कहते हैं, और उसके बाद सारे राइट्स, सारे टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। याद रखो एक और चीज़ कि अगर कोई भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में घोषित हो जाता है, उसके बाद वो सिविल कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास जाकर कोई भी सिविल क्लेम फाइल नहीं कर सकता। ये उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में घोषित हो गया तो सिविल कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास जाकर वो अपना कोई भी सिविल क्लेम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ कोई भी कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जहां पर कोई भी व्यक्ति इज अ मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर, वो भी सिविल क्लेम नहीं फाइल कर सकता। और अथॉरिटीज क्या करती हैं? इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती हैं, ठीक है, दे अटैच देयर प्रॉपर्टीज। चलिए, तो ये हो गया आपका पीएमएलए पावर्स। अथॉरिटीज अंडर पीएमएलए 2002 विल एक्सरसाइज द पावर गिवन टू देम अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। पावर सेम है जो किसी सिविल कोर्ट की होती है। व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या काम करती है यहाँ पे? ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर काम करती है। डू रिमेंबर दिस, ईडी वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। फिनेंशियल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी है हमारे देश की, और एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाया गया था। बेसिकली हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के अंदर जो भी केसेज आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उनको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की होती है। क्लियर? परफेक्टली हमारी जितनी भी, मतलब मैं एक्सपेक्टेड लेकर आया था पीपीटी, सब एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हमारी हो गई खत्म। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा 10:15 PM इन स्पेशल क्लास। डू नॉट फॉरगेट कि आप स्पेशल क्लास का जो लिंक है वहां पर एनरोल कर लें अभी समय से। 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करें और जैसे ही मैं लाइव आऊं और आपके पास अपडेट आ जाए और आप क्लास में ज्वाइन कर जाएं। अनअकैडमी प्लस अगर किसी को लेना हो, यू कैन डेफिनेटली यूज द डिस्काउंट कोड जो कि आप लोगों के लिए नीचे बार में आ रहा है। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।